गाइस ये है ऑन ए मेड इन यूपी की डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड चार्ट्स पे प्रोजेक्शन। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के चार्ट्स मैंने लगा रखे हैं, उस पे ए मेड इन एंड्रॉयड की यूपी की प्रोजेक्शन है। अब लाइट ऑफ करेंगे, आप देखिए अब मैं वीडियो को प्ले करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस शो होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर पे पता चलेगा कैसे प्रोजेक्शन आती है इस प्रोजेक्टर की। ये देखिए ऊपर का हिस्सा तो वाइट वॉल है और नीचे वाले हिस्सा आपको पता है चार्ट हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के। फिर देखिए ये कलर, फर्स्ट वाला वाइट है, सेकंड ब्लैक येलो, इस तरह आप देख सकते हैं। वैसे रिज़ल्ट इसका यही निकला है, तकरीबन वाइट वाला ज़्यादा सही है, बाकी तो जो चार्ट हैं जिसका जो कलर है वही दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ये वैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ज़्यादातर कलर जो चलते हैं वॉल, अगर वॉल पे आप प्रोजेक्शन करना चाहते हैं प्रोजेक्टर की, तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा आती है रूम में, एम्बिएंट लाइट कहते हैं जिसको, मतलब बाहर की जब विंडो से जो आती है रोशनी, तो उसके लिए तो फिर डार्क कलर होता है वॉल पे। अगर एकदम अंधेरा है रूम में तो तब वाइट चल जाएगा, लाइट कलर चलेगा। अगर रूम में ज़्यादा अंधेरा है तो चलेगा वाइट, वॉल पे वाइट पेंट चलेगा। अगर बाहर से लाइट बहुत आती है जिसको एम्बिएंट लाइट भी कहते हैं हम, सराउंडिंग की लाइट चाहे बल्ब की है चाहे विंडो से है, तो आपका मेरे ख्याल से वॉल का कलर होना चाहिए डार्क शेड का, जैसे डार्क ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया। अगर एकदम अंधेरा है कमरे में फिर मेरे हिसाब से तो वाइट चलेगा, लाइट शेड। अलग अलग नेट पे व्यू हैं, आप लाइट ग्रे कलर भी कर सकते हैं, नेट पे अलग अलग ओपिनियन है।
अगली वीडियो में पेंट के साथ डालूँगा, वॉल पे पेंट कराऊँगा एक डार्क ग्रे और वाइट पेंट, उसका कंपैरिजन दिखाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।